सुबह सुबह रिपोर्ट हो गया, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है भाई। मुझे जाना था कहीं पे इम्पोर्टेंट काम से। गाड़ी की चाबी देखी कहीं? नहीं देखी। और ही गाड़ी की चाबी देखी कहीं? पीयूष उठ गया। गाड़ी की चाबी देखी कहीं? देखी या नहीं देखी? ये दूसरी है। हाँ। तो पापा जी से भी दूसरी चाबी निकलवाई जो साथ में मिलती है। तो एक्चुअली आज हमारे घर में पूजा है नए घर की, तो पंडित जी को लेने जा रहा हूँ, जो कि हमारे भैया ही हैं, चंदू भैया यहीं पे रहते हैं। नए घर में आए हैं, पूजा पाठ कराना बहुत जरूरी है। पीयूष एंड ओरियो भी चल रहे हैं साथ में। मम्मी जी ने दूध और पनीर भी मंगाया था, तो वो भी मैंने मंगा लिया है। पनीर मिल गया हमको खुला वाला। सौरभ जोशी। हाँ जी सर, नमस्कार। यार मेरा बच्चा बड़ा फैन है आपका, हालांकि मैं भी सब्सक्राइबर हूँ आपका। मैं तो बस अपनी चाबी के बारे में सोचे जा रहा हूँ कि रखी कहाँ थी, कहाँ खो गई है। मेरे माइंड में वही चल रहा है, बस थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ मैं कि कहाँ रखी थी, कहाँ खो गई, क्योंकि टेंशन तो होती है यार, गाड़ी की चाबी है। और आज हमारे घर में मामी, पूजा दी, शुभम, शुभम की फैमिली और भी काफी लोग आने वाले हैं। तो पनीर खुला वाला मिला ही नहीं, दूध भी पैकेट वाला, पनीर भी पैकेट वाला, सब पैकेट वाला खाना पड़ रहा है हमको यहाँ। हो जाएगा, देखते हैं कहीं से जुगाड़ करते हैं। अरे मैंने कहा खुला पनीर, खुला दूध का। जब से हम यहाँ आए हैं दूध ही नहीं पिया हमने, बिल्कुल भी एक गिलास दूध नहीं पिया मैंने। सबसे बढ़िया टीका तो ओरियो को लगा है ना हमारी। हो गया पाठ पूरा, प्रसाद ले लो भाई, भूख लग रही है। मम्मी क्या बनाया है? क्या? अरे सुबह सुबह मैगी बना दी तेरे को, तो मैगी चाहिए। मैगी तो आज बनाएंगे, मैगी सैंडविच फर्स्ट टाइम। इसके अंदर मैगी भर देंगे, देखते हैं कैसा बनता है। ये बना तो लिया बट इसमें मजा नहीं आया, इससे बढ़िया सिंपल मैगी खा लो वो ठीक है। इस वाले घर में ओरियो कुछ इस तरह से यहाँ से सिर निकाल के देख लेता है। फिलहाल अभी साहिल है नीचे, उसको देख रहा है, जो भी आएगा जाएगा, उन सबको देखते रहता है। सोसाइटी है तो ज्यादा लोग आते ही नहीं यहाँ पे, तो ये ऊपर भी नहीं आता देखने के लिए। शाम को आता है थोड़े बहुत बच्चे, वो भी सोसाइटी वाले बस। किस पे भोगेगा यहाँ, किस पे? आज तो क्या पता मैं घर में कम व्लॉग कर पाऊँ, बिकॉज बहुत सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो देखते जो भी रहेगा, बाकी मजा आएगा। मम्मी एक बात तो है, नए घर में आपकी हालत खराब हो जाएगी होगी ना साफ सफाई करने में, क्योंकि काफी बड़ा सा है सारा एरिया। काम वाली रखनी है? काम वाली देखेंगे यार बेटा, मेरे को मजा नहीं आता। मजा नहीं आता? एक तो अपने हाथ का है, सुबह सुबह कर लेती हूँ, देख तुम उठे भी नहीं थे, मैंने झाड़ू पोछा सारा कर लिया था। ठीक है, वैसे तो हाथ पैर चलते रहेंगे। यहाँ पे सबके पास है, सारे जितने भी घर है ना सब में काम वाले आते हैं। आपको रखना हो तो बता देना, जब तक चल रहा है बेटा कर सकती हूँ करती हूँ। ठीक है, वैसे ठीक है। आप डेली आते हो क्या यहाँ? पीयूष देख, याद है उस दिन अपन तोड़ के लाए थे जंगल से? साहिल ओरियो को भगा के ले गया भैया, ऐसे मत भगा, किसी के पीछे पड़ जाएगा ये। हाँ घुमा ले, चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चल, चलो अंदर भाई, गिर जाऊंगा मैं ऐसी हरकतें मत कर। पार्क है यहाँ पे, मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है, मस्त। दो दिन से बिल्कुल भी धूप ही नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बगल में ही पहाड़ है। अभी हम जा नहीं रहे बिकॉज अभी सब कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है ना, सेटलमेंट हो जाए फिर जाएंगे रोज रोज नैनीताल। सही है, अच्छा खासा बड़ा ही पार्क है, मतलब आ सकते हैं अपन सुबह शाम घूमने के लिए यहाँ पे। मैं तो अभी सोसाइटी में घूमा ही नहीं पूरा। कितने पार्क है यहाँ पे? एक ही पार्क है, एक उस साइड भी है, एक और है वो टंकी, दो पार्क है यहाँ पे इस तरह के। बाय द वे पीछे स्कूल का भी देखना है, अभी तो वैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है यहाँ भी और वहाँ भी, तो इसका नाम भी वहीं चल रहा है, तो सोच रहे कि अभी इसका वहीं से करवा देते हैं। ऑनलाइन तो चल ही रहा है, यहाँ भी करे चाहे वहाँ से करे, एक ही बात है ऑनलाइन है, नेक्स्ट ईयर से फिर इसको यहीं एडमिशन करा लेंगे। किसने दिया? तो गाइस ये बिल्कुल असली फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे प्यारे, कल भी दे गए थे एक अंकल, आज भी दे गए हैं, कह रहे रोज दे के जाएंगे, बाहर गार्ड को दे के चले जाते हैं। मम्मी जी आज फिर से दे गए वो, तो अभी जा रहा हूँ मामी और पूजा दी को लेने के लिए, उनको तो ले ही आते हैं। दस लोग अब तो कोई नहीं आएगा ना, कोई नहीं। बाहर हो रही है मस्त वाली बारिश, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जल्दी आ जाओ सारे भीग जाओगे। हेलो नमस्कार, नमस्कार सब्सक्राइबर। अरे भीग जाओगे अंदर, चलो ना आओ, अरे भीग जाओगे अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। तो हल्द्वानी का हमारा फर्स्ट केक आया है, वेलकम टू हल्द्वानी, थैंक यू सो मच। ये देखो भीग भीग के आए हैं बच्चे, आए करो, ये होममेड केक है ना? हाँ जी होम
वेलकम टू हल्द्वानी। तो गाइस बाहर तो बहुत ही ज्यादा रिलेटिव्स आ चुके हैं, अभी और भी आएंगे तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो व्लॉगिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। फिलहाल तो अभी हम स्टूडियो में ही हैं। तो अभी ओरियो के चक्कर में मैं स्टूडियो में बैठा हूँ ओरियो के साथ में। ये देखो कह रहा है गेट खोल दो, मुझे बाहर जाने दो, बच्चों के साथ खेलने दो, बट बच्चे डर रहे हैं। क्या किया जाए और ही बता। फिलहाल तो मेरे को भूख लग रही है, मैं लंच लेके आता हूँ। सुबह भी मैंने दो ब्रेड ही खाए थे बस। तो अभी खाना तो ले आया मैं, चावल दही और पीनट बटर। तो आज हमारे घर में भजन कीर्तन है मस्त वाला, सभी के सभी करेंगे। अंदर तो मस्त भजन कीर्तन हो रहा है, फुल मजा आ रहा है, अलग ही वाइब आ रही है पहाड़ियों के साथ में, और बाहर हो रही है बारिश। फिलहाल मैं अभी शुभम का वेट कर रहा हूँ, शुभम नहीं आया अभी तक। शुभम की फैमिली भी आने वाली थी ना, बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रही, शुभम आ नहीं पा रहा, वो घर पे ही है, तो उसको हम गाड़ी में ले आते हैं। मैंने आपको लास्ट के दो व्लॉग में मना किया कि प्लीज सोसाइटी में मत आना, फिर भी बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, तो प्लीज गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ दोबारा, तीसरी बार। तो गाइस बारिश तो बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं शुभम का। बड़ी जल्दी आ गए। अरे यार बारिश हो रही है, क्या करें। घुसो जल्दी, पानी अंदर आ जाएगा। तो फाइनली अब थोड़ी बहुत बारिश रुकी है, अभी भी हल्की हल्की आ रही है। चलो बारिश में चलते हैं, थोड़ा बहुत भीग जाओ। चलो चलो चलो, चप्पल तो डाल ले, बिना चप्पल के क्या ही मस्त मौसम हो रहा है यार। रास्ता मस्त है ना, फूल गिरे हुए रास्ते में। एक पार्क ये है, एक मैंने आपको सुबह दिखाया था, एक पार्क ये है यहाँ। कीड़े होते हैं। ये वाला पार्क छोटा है, कैमरे से फोटो शूट करने के लिए मस्त लोकेशन है, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। ये देखो श्वेता ने फूल मस्त लगा लिया, मस्त। थोड़ा डांस भी दिखा दो रे, थोड़ा नहीं याद आ। ला मैया का, ओ मेला मैया का। आज तो पूरी सोसाइटी में सिर्फ हम भाई बहन दिख रहे हैं सब, हमारे तो आतंक हो रहा है, हमारा ही और कोई भी नहीं दिख रहा है यार। तो अभी पहले वाले पार्क में आ गया, ये देखो ये ठीक है, ये काफी बड़ा भी है। तो खाने बनाए छोले पूरी मिक्स वेज और रायता, यहाँ के दिखा रहा हूँ बिकॉज वहाँ बहुत शोर हो रहा है। बाकी ये शुभम का है, कैसा हो रहा है खाना, कैसा हो रहा है, मजा आ गया, अच्छा हो रहा है, चलो अच्छा ही होना चाहिए। तो अभी रात के 9 बजने वाले हैं, सभी का जाने का टाइम हो चुका है। अच्छा लगा, फुल मजा आया, फुल डांस किया हमने। बाय, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय बाय, मिलते रहेंगे अब तो, बाय 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 सोनू भैया, बाय बाय बाय। चलो मैं भी आ ही रहा हूँ वैसे तो, इनको छोड़ के आते हैं। तो सभी रिलेटिव जा चुके हैं, सबको छोड़ के आ गए हम। फुल मजा आया, फुल डांस किया, साथ में खाना खाया और कीर्तन किए, भजन किए, मतलब लिटरली मजा आ गया। शूट थोड़ा बहुत किया बट एक अलग ही यादें ताजा होगी हमारी। फिलहाल तो बस अब मैं एडिटिंग करूँगा। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं, एडिटिंग मेरी हो चुकी है, फिलहाल इसको अपलोड पे लगाता हूँ और सोता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इधर से। और ये को भी टीका लगेगा। इधर जा। अरे घूमर कर रहे हो। अरे उधर घूमर बाद में कर देता हूँ। और वो
इसके लिए कौन सा मंत्र आएगा? इसके लिए ओम ओम और याय नमः, ओम और याय नमः, भैरव जी का आ जाएगा, ओम और याय नमः। ये या आपने इतना बड़ा टीका क्यों लगा रखा है? उसने लगाया। हाँ ठीक है जी।